know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special to. इससे अच्छा आलू तो मैं बना लेता हूँ घर पर। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भाई, आज मैं आ गया हूँ एक और नई जगह एक्सप्लोर करने। पीछे खटपट की आवाज़ आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो आजकल ना वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा फर्जी हो गए हैं और फर्जीवाड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो कैफे भी फर्जी हो गए। देखिए गाइज, हम आ गए हैं फर्जी कैफे, और हम पता किसके साथ आए हैं? जो सबसे फर्जी आदमी है हमारे दोनों भाई, एक सादिक, इसको आप जानते हो, और एक बहुत ही दूर से आया हमारा अहमदाबाद से लड़का यहाँ फर्जी कैफे में आने के लिए। फर्जी कैफे वही। सो गाइज, अपने देहरादून में खुल चुका है फर्जी कैफे। बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइजी है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें मिलती हैं। और फर्जी से मिस इंटरप्ट मत करना, ये कुछ इल्यूजन टाइप का कुछ बोलते हैं ये लोग। तो लेट्स सी, अंदर देखते हैं कि क्या कुछ है और एक्सप्लोर करते हैं इसको। देहरादून में नई नई चीज़ें खुल रही हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और अपना ये राजपुर रोड पे ही है, मेन राजपुर से थोड़ा 200 मीटर पहले। तो अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन है। चलो भाई अंदर तो चल लो। ओ यार, ये 3D राइडिंग देखो कितनी सही लग रही है, मतलब मज़ा आ गया। नाइस वन। सो गाइस, ये है एंट्रेंस। गाइज, मौसम देखो यार कितना सही हो रहा है भाई। और ये लगे हैं ऑर्डर डिसाइड करने में अभी। इतना तक ना मैं आपको ऊपर का टूर देके आता हूँ, ऊपर का टूर दिखाता हूँ मैं आपको कितना सही है ऊपर की सीटें। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही है लेकिन मौसम बड़ा सही हो रहा है। ओ गाइज, लुक एट दिस। वाह यार, ऊपर की सीटिंग बड़ी तगड़ी है। और ये व्यू चेक करें यार, वाओ, जस्ट वाओ। ये देखो, ये इनका एक और बार एरिया। यहाँ पे प्राइवेट कैबिन्स टाइप हैं, बहुत सही है। हेलो, स्लाइस टू मीट यू इन पिज़्ज़ा वी क्रस्ट। हेलो सर, आप क्या बना रहे हैं? शुगर गार्निश। वाह, तब ये पिज़्ज़ा वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया? सही है यार, यहाँ पे बनता है पिज़्ज़ा, गजब, बहुत सही बना रखा है, बहुत सही। क्या है? आई थिंक कुछ पहाड़ी वगैरह करके है। पहाड़ी आलू, जखी आलू है ना, जखी आलू करके, जखी आलू है वो, कुछ जो स्पेशलिटी है वो खिला दो यार। यस सर, बिल्कुल। सो गाइस, ये आ चुके हमारे फर्जी ओके ड्रिंक। उसकी याद दिला दी वो, जो छोटे होते आती नहीं थी, तू बोलने पहले क्या 500 रुपए वाली वो ऑरेंज वाली कुल्फी फुल है वो। अब मैं तुझे अपने और रिव्यूज दूं, पहले पी के फूड ब्लॉगिंग वाला सीन। जो फ्लेवर्स है ना वो अलग अलग सच में आ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइज, आप यहाँ आओ और एक बार ट्राई करो। ओके, जरूर। वो जो रेट है 10 रुपए का ग्लास, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिल सकता भाई। 10 रुपए में अगर आपको ये मिल रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आओ और यहाँ जरूर टेस्ट करो। नहीं गाइज, इस पे यकीन मत करना, फूड ब्लॉगर वाला मैं करता हूँ। जब तक तू ना ये फूड ब्लॉगिंग का, ओह माय गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन गाइज, आई डोंट हैव वर्ड्स, सॉरी।
तो गाइस देखिए खाना आ चुका है लेकिन प्लेट्स हमारे पास किसी के पास नहीं है, मतलब सीरियसली यार। सो गाइस अब हमारे प्लेट्स आए, मतलब सर्विसेज ना यार मुझे अप टू दमाक नहीं लगी। भाई कैसा लगा तेरे को खाना? यार गोलू सच में बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नो हार्ड फीलिंग्स बट ट्रस्ट मी, मुझे अभी तक कुछ भी पसंद नहीं आया। रोटी मैंने जो पापड़ बना कर दी थी उन्होंने, आलू में सच में कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ ये आलू फ्राई करा हुआ है। चाप पता नहीं क्या स्पेशलिटी है इनकी, पहाड़ी वाली सीन, पहाड़ी आलू, इसका मतलब थोड़ा ना कि कुछ भी कर दोगे आप, सिर्फ तेल और ऑयल इतना एक्स्ट्रा लगा रखा है ना भाई, जो एक स्मेल फ्लेवर्स की स्मेल आती है ना कुछ कुछ मसालों की, सच में कुछ नहीं है। तू खा के देख एक बार। सही बात है, अभी खाते हैं टेस्ट करते हैं। भाई तेरे को कैसा लगा? भाई इससे अच्छा आलू तो मैं बना लेता हूँ घर पर। सो गाइज अभी हमने मंगाए हैं वड़ा पाव फर्जी फ्राई, ये भी फर्जी लग रहा है वैसे तो, लेट्स सी देखना कैसा लग रहा है। चलो भाई टेस्ट करते हैं। हमारे टाइपराइटर से बिल टाइप हुआ है 2000 का भाई, इतना ज़्यादा बिल। और दे आस्क अस टू गेट सम कमेंट्स। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? ये रिफ्रेशिंग पान गुजिया है सर। पान गुजिया? यस सर। तो ये हमारे लिए माउथ फ्रेशनर में लाए हैं पान गुजिया, ये चलो भाई खाओ पान गुजिया। अरे बिल्डिंग आवाज नहीं रखी, जल्दी खा जल्दी खाओ, कॉपीराइट आ जाएगा तुम्हें। कैसी है इनका पूरा अंदर ले लिया, अच्छा लगा। मैं तो क्या कह रहा कि खाना दूसरों को खिला दिया करो, मुझे तो ये खिला दिया करो। जब लोग खाना खा रहे ना उसके बाद मुझे बुलाया करो। अब हम ये सर्व करेंगे, ये ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बॉटम भी तो है ग्रामीण ग्रामीण। सो गाइस हमने खाना खा लिया, ठीक है खाना खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, वड़ा पाव ही था ना? हाँ वड़ा पाव। हमें ओवरऑल अच्छा लगा, ठीक लगा, बट जो खाना था ना वो इज़ नॉट अप टू द मार्क, मेरे को बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा, तुम्हें भी टेस्टी नहीं लगा ना? सेम नहीं लगा टेस्टी। और सर्विस भाई, सर्विस बहुत ही घटिया थी, सही में बहुत घटिया थी। मतलब हम आ गए और इन्होंने हमें लिटरली पानी तक भी नहीं पूछा, आई डोंट नो। फिर लास्ट में शेफ़ आए थे तो शेफ़ से बात हुई, तो शेफ़ ने बोला वी आर जस्ट हायरिंग, मतलब नया स्टाफ वगैरह है तो अभी इतना ज़्यादा शायद एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतनी यार ऐसा, ये तो एक नॉर्मल जेस्चर है कि पानी तो आप पूछ ही सकते हैं। ओवरऑल एम्बियंस बहुत तगड़ा है, सिटिंग वगैरह मैंने आपको ऊपर की भी दिखाई नीचे की भी दिखाई, बहुत सही है, बहुत सही एम्बियंस है, मतलब वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं, बट अभी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो फूड क्वालिटी है और आपका सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप आ सकते हो एक बार के लिए, फोटो वोटो खींचवाओ, हाँ, इंस्टाग्राम पर डालो, सही वो सही है। नहीं आओ ट्राई करो और आप भी अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसा लगा। तो विद दिस सेट आई एंड माय ब्लॉग हेयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फर्जी दिन हो गया, फर्जी कैफे हो गया, फर्जी लोग, सब कुछ फर्जी हो गया, और फर्जी वो बोलते हैं ना नाम की लाज रख ली, एक नंबर फर्जी। तो गाइस विद दिस सेट आई एंड माय ब्लॉग हेयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर, सबको कर देना शेयर, थैंक यू सो मच, बाय। और नहीं अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश और फिर वहाँ दिखाते हैं वहाँ का फन अलग होगा। तू भी कंटिन्यू। यस दोबारा अगर ऋषिके इसके आगे का सीन देखना है ना, भाई को फॉलो कर लेना, सादिक कुरेशी फिटनेस के नाम से सब दिखा देगा, तेरा भाई छोड़ेगा नहीं। चल यहाँ पे हम ऊपर आए थे रूफ टॉप पे, बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो गाइस हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे विद बहुत ज़्यादा बारिश आ रही भाई।